अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन मंगलवार को इस केस में नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला थाने में दर्ज कराया है। जी हां, रिया के खिलाफ लिखी गई FIR के अनुसार सुशांत के पिता ने 10 चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। जी हाँ, सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों से काम छोड़ना चाहते थे। वह केरल के कुग्र में शिफ्ट होना चाहते थे और ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती इस बात का समर्थन नहीं करती थी। रिया ने सुशांत को बताया था कि वह मुंबई से शिफ्ट नहीं हो सकती है, तो जब रिया को लगा कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में रहने के लिए राजी नहीं होगा, तो 6 जून 2020 को रिया ने सुशांत के घर से भारी नकदी, गहने, क्रेडिट कार्ड, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और मेडिकल रिकॉर्ड लिए और उसका घर छोड़कर चली गई। यहां तक कि रिया ने अपने फ़ोन से सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। एक बार सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन को बताया था कि रिया ने उसके सभी दस्तावेज लिए हैं और उसने मीडिया के सामने खुलासा करने की धमकी दी है कि वह पागल हो गया है और अब उसे कोई भी काम नहीं देगा। 2019 में रिया से मिलने से पहले सुशांत किसी भी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं था। हालांकि रिया से मिलने के बाद सुशांत मानसिक रूप से परेशान क्यों हो गया, इस बात की जांच होनी चाहिए। अगर सुशांत का किसी प्रकार के मानसिक रोग का इलाज किया जा रहा था तो परिवार के सदस्यों से कोई सहमति क्यों नहीं ली गई। रिया इलाज के दौरान सुशांत को अपने घर ले गई थी क्योंकि दवा की ओवरडोज हो जाने से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन रिया ने सबको बताया था कि सुशांत को डेंगू हो गया है। रिया सुशांत को कोई फिल्म साइन करने नहीं दे रही थी। जब भी कोई प्रस्ताव आता तो वो सुशांत को इस बात के लिए मजबूर करती थी कि फिल्म में उसकी हीरोइन की भूमिका रिया चक्रवर्ती ही निभाएंगी, इसी शर्त पर सुशांत उस प्रोजेक्ट को स्वीकार करे। सुशांत का विश्वसनीय और पुराना स्टाफ रिया ने बदल दिया था। उनकी जगह उसने अपने जाने पहचाने लोगों को काम पर रखा था ताकि वह सुशांत को हर लिहाज से मैनेज कर सके। दिसंबर 2019 में रिया ने सुशांत को अपना मोबाइल नंबर बदलने के लिए मजबूर कर दिया था ताकि वह अपने परिवार और करीबी लोगों से नियमित रूप से बात ना कर सके। रिया ने सुशांत को पटना में उसके घर से मिलने जाने भी नहीं देती थी। साल 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन एक महीने के भीतर 15 करोड़ रुपए ऐसे खातों में ट्रांसफ़र किए गए जो सुशांत के खाते से लिंक भी नहीं थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उस पैसे को रिया और उसके सहयोगियों ने किस तरह धोखे से निकाला है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत इसी साल 14 जून को मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे। उनकी मौत पर तमाम सवाल उठे। बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गैंगबाजी को लेकर भी बहस हुई। कई बड़े डायरेक्टर्स से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस बीच सुशांत के पिता ने जो आरोप सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर लगाए हैं, उन्होंने इस पूरे केस की थ्योरी ही बदल दी है और इस पूरे केस में रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या और अपडेट आती है। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।